हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरी एप्लीकेशंस देखी थी। इस चैप्टर में अब नया चैप्टर है मल्टीमीडिया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और मल्टीमीडिया वर्ड आपने सुना भी होगा और आज की तारीख में काफ़ी यूज़ हो रहा है। मल्टीमीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, टेक्स्ट आता है, ऑडियो आता है, वीडियो आता है, इमेजेस आते हैं, एनिमेशन आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। मल्टीमीडिया इज अ डिजिटल कंटेंट दैट इज क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन मल्टीपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम लाइक टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, इंटरेक्टिव कंटेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया इज अ वेब पेज ऑन ए टॉपिक। Say states of matter that is text regarding the topic along with audio, video or animation file supporting the text. मतलब उन्होंने ये बताया है कि कोई टेक्स्ट आपने लिया, उसकी केस में आप ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज कर सकते हो। जैसे आप इमेज एनिमेशन देखते ही हो कहीं, जैसे कहीं जे ए फाइल आती है ना व्हाट्सएप वगैरह पर, उसमें जे ए फाइल देती है। जे ए फाइल का मतलब होता है ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये एक्सटेंशन फाइल होती है, ये आगे और भी फाइलें आएंगी, अभी आप नीचे देखोगे तो हर फाइल का एक्सटेंशन होता है और हर फाइल के एक्सटेंशन हमेशा 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर का होता है। अब एक्सटेंशन होता क्या है पहले हम इसको समझें। जैसे सपोज करो मेरा नाम नीलेश है, तो नाम अलग है और सरनेम अलग है, नेम इज नीलेश, सरनेम इज जैन। ऐसे ही कोई भी फाइल बनती है ना कंप्यूटर में किसी भी टाइप की, तो उस फाइल में फाइल का नाम होता है और फाइल का एक्सटेंशन होता है। Is here is a name of file and extension is there. Always name of the file is 8 characters or more than 8 characters and the extension of file is 3 character or more than 3 character. ये ध्यान रखने वाली बात है। तो audio file, video file, image file, text file, ये सारी फाइलें होती हैं। अब इसमें हम इसको आगे देखते हैं, टेक्स्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं, ऑडियो किसको बोलते हैं, वीडियो किसको बोलते हैं। अब टेक्स्ट जो होता है, जो हम रिटर्न में जो भी लिखते हैं ना टेक्स्ट, इसका मीनिंग टेक्स्ट होता है जो हमारे स्क्रीन पे देता है, जो फोन साइज है, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, अल्फाबेट्स, जैसे मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट है, दीज आर द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है सब, ये पूरा टेक्स्ट है, ये इमेज है। इमेज मतलब कोई फोटो, कोई चार्ट, कोई ड्राइंग, कोई इलस्ट्रेशन, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम टेक्स्ट और इमेज, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट अवेलेबल दिस डेज। इमेज फाइल फॉर्मेट का मतलब है फाइलों का एक्सटेंशन। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा वो बात है, और ये आज आप याद कर लोगे ना तो लाइफ लॉन्ग तक चीजें याद रहेंगी वाली कि उस इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या था। हर फाइल का एक्सटेंशन होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूँ, यहाँ मैंशन नहीं है। जैसे कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, अगर हम नोटपैड में मान लो मैंने ABC बनाई, मैं आपको बता भी देता हूँ एग्जाम्पल, एपीसी बनाई नोटपैड, तो उस फाइल का एक्सटेंशन .txt होगा। ये मैं सेव कर रहा हूँ, जैसे ही सेव करूंगा तो ये देखो .txt एक्सटेंशन है, दिख रहा है ये, मैंने लिखा है abc.txt। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ताकि आपको पता पड़ जाएगा एबीसी इसका एक्सटेंशन ये है। आप नहीं देंगे तो भी आ जाएगा, मान लो आपने नहीं दिया तो भी आ जाएगा। और अब मैं इस फाइल को बाहर देखता हूं, मैं ये राइट क्लिक करा प्रॉपर्टी में लिया, तो आप देखोगे ये .txt आ गया यहाँ पर, मतलब ये इस फाइल का एक्सटेंशन .txt है। वर्ड की कोई फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .docx है। एक्सेल की कोई फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .xlsx है।
फिर अब इमेज फाइल के एक्सटेंशन की बात करते हैं, मतलब आखिरी के जो इमेज फाइल है उसके एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो पहला एक इमेज फाइल है .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है पीएनजी का फुल फॉर्म। पीएनजी फाइल बनती है और इमेज की स्पेस थोड़ी ज्यादा घेरती है। इट कंज्यूम्स मच स्पेस कंपैरेटिवली बीएमपी और जीआईएफ और टीआईएफ भी ज्यादा घेरती है, पर जेपीजी से भी ज्यादा है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी। सेकंड आती है आपकी जेपीईजी, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगेगा ये सुनो, आप उसको ध्यान से समझो। नॉर्मल फाइल जेपीजी बनाते हैं, आप देखना कई जगह बोलते हैं कि आप जेपीजी फाइल में भेजो। जेपीजी फाइल मतलब इमेज फाइल है, और ये जितने भी एक्सटेंशन वाली फाइल की बात कर रहे हैं ये सब इमेज फाइल ही है, ये पूरी इमेज फाइल ही है। मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ, दे ऑल आर इमेज फाइल। तो ये इमेज फाइल। फिर बात आती है जेपीजी का फुल फॉर्म। जेपीजी को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जेपीईजी भी बोला जाता है और जेपीजी, चार कैरेक्टर भी होता है और तीन कैरेक्टर भी होता है। फिर बात आती है जीआईएफ की। GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट मतलब GIF, और ये जो होता है वो इमेज फाइल होती है ये भी, और इसमें स्पेस कम कंज्यूम होती है। जो नॉर्मली इमेज फाइल बनती है ना उसमें जेपीजी और GIF सबसे ज्यादा यूज होती है। जहां भी कहीं कोई फाइल वगैरह अटैचमेंट करना हो ना तो भी जेपीजी और जीआईएफ ही ज्यादा यूज होती है। फिर एक आती बीएमपी। बीएमपी का फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज, बिटमैप पिक्चर, उसको ऐसा बोलेंगे बिटमैप पिक्चर। तो लास्ट है TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये भी यूज होती है TIFF, पर नॉर्मली सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है वो होती है जेपीईजी और जीआईएफ। आगे बढ़े हैं, टीआईएफ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ऑफन यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द कंप्यूटर फॉर क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट फॉर इंटरनेट सीडी एंड डीवीडी। तो सीडी और डीवीडी के कंटेंट करने के लिए ये सारी फाइलों के यूज होती है, सारी फाइल। मैंने अभी आपको बताया इमेज के सबसे ज्यादा जेपीजी यूज होती है, वही लिखा है मोस्ट फोटोग्राफर दैट वी गेट फ्रॉम डिजिटल कैमरा इज जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट, दोनों लिखते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें आप एक चीज देखना, ये जनरल नॉलेज वाला लेक्चर ही हो गया एक तरीके से मल्टीमीडिया का, और आगे एक लाइन के लिए भी डिनोट करता है, एक लाइन भी बताता है। ऑडियो फाइल। अब ऑडियो फाइल मतलब सुनने वाली फाइल। पहली ऑडियो फाइल तो मैं आपको .mp3 बता देता हूँ। mp3 का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 मतलब ऑडियो फाइल और MP4 मतलब वीडियो फाइल। ऑडियो फाइल जो होती है वो सुनने के काम आती है, आपको मालूम ही है। राइट साइड में उसका सिंबल भेजा रखा ऑडियो का, ऑडियो टू मेक थिंग्स इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल। ऑडियो इज ऑल्सो ए प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन साउंड डज नॉट यूजुअली कम डायरेक्टली फ्रॉम स्पीकर टू द लिसनर। तो सीडी डीवीडी में यूज होती है। तो MP3, अच्छा आपने देखा होगा सब जगह MP3 बोलते हैं कि आप MP3 फाइल भेजो, क्यों भेजो? क्योंकि MP3 कम स्पेस घेरती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है MP3।
और इसमें एक वेव फॉर्मेट होता है, वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट, आर ऑफन मोस्ट कॉमन ऑडियो फाइल फॉर्मेट इन दिस डेज। तो ये जो फाइल होती है वेव फाइल, वो स्पेस ज्यादा घेरती है किसके कंपैरिजन में, MP3 फाइल के कंपैरिजन में। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि वेव फाइल और MP3 फाइल दोनों ही ऑडियो फाइल है, पर MP3 स्पेस कम घेरेगी और वेव फाइल स्पेस ज्यादा घेरेगी। और इस वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट ही होता है उसका जो फुल फॉर्म है, ये लिखा भी है वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ये मैंने आपको बताया, इनके फुल फॉर्म भी बताया ऑडियो के और वीडियो का भी है। अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं हम। वीडियो में बोलना और देखना, इमेज दिखना, आपको मालूम है ये, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मूविंग पिक्चर, पिक्चर दिख रही है, मूवीज ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा है, मतलब वीडियो में ऑडियो वीडियो दोनों आता है, ऑडियो में केवल ऑडियो आता है, मतलब लिस्निंग पावर। फिर बात करें हम वीडियो के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। ऑडियो के हमने दो फॉर्मेट देखे, MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3 और वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट, तीन कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता है या चार का। अब वीडियो फाइल में एक होता है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसका फुल फॉर्म। एक होता है डॉट फ्लेव, फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। एक होता है डॉट WMV, विंडोज मीडिया वीडियो। एक होता है डॉट मूव, एप्पल क्विक टाइम मूवी, ये यहाँ का नहीं है, ये एप्पल के लिए यूज होता है। और एक होता है डॉट MP4 जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाइड करता है कंपेरेटिवली। MP4 पिक्चर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ही है, सबसे कम स्पेस घेरता है, स्टोरेज कैपेसिटी कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है। और सबसे कम स्पेस MP4 है। ये जो FLV है, फ्लैश वीडियो फॉर्मेट, ये फ्लैश नाम का सॉफ्टवेयर है, उसकी फाइल है। API सबसे ज्यादा, AVI सबसे, ऑडियो वीडियो इंटरलीव सबसे ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती है। ये आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर मान लो कोई चीज पेनड्राइव में ले जा रहे हो या और कहीं आप मूव कर रहे हो, यू नो इट विच फाइल एक्सटेंशन है हायर स्पेस, ज्यादा स्पेस कैसे कंज्यूम होती है। अब नेक्स्ट आते बात करते हैं एनिमेशन की। मल्टीमीडिया में अपने टेक्स्ट की बात कर ली, इमेज की बात कर ली, ऑडियो की बात कर ली, वीडियो की बात कर ली, अब बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन मतलब आपकी आप उसमें वो देखें क्या बोलते हैं, मूविंग होती है इमेज की, मूविंग। हमारे इसमें भी GIF फाइल भी आती है, एनिमेटेड GIF फाइल आपने सुना हो मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे, तो वो एनिमेटेड ही है। एंड एनिमेशन इज क्रिएटेड बाय गिविंग द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट टू द इन एनिमेट स्टिल इमेज। मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमेशन ऑल्सो इंक्लूड ऑडियो फाइल, ऑडियो वीडियो स्पेशल इफेक्ट। अब स्पेशल इफेक्ट का मतलब ही वही है कि मूविंग होना अलग टाइप से। एन एनिमेशन इज यूज इन द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन टू एड विजुअल इफेक्ट। अब कोई भी विजुअल इफेक्ट देना, मतलब इफेक्ट डालना, वही एनिमेशन को होता है। द फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट्स एनिमेशन फाइल आर डॉट FLA और SWA। ये दोनों फ्लैश की फाइलें हैं। द सपोर्ट एनिमेशन फाइल्स आर डॉट FLA एंड SWF अमंग टेक्स्ट ऑफ टेंस ऑफ अदर्स। The software used to create animation in Animation Pro, 3D Studio Max, Audio Flash. Mainly जो software आता है वो 3D Studio आता है, Animation Pro आता है, Audio Flash होता है,
टू पी पेंसिल है, 2D है, ये वाले सॉफ्टवेयर से यूज होते हैं ये आपके एनिमेशन सॉफ्टवेयर। और अभी बहुत काफी स्कोप है एनिमेशन, इंटरैक्टिविटी, इंटरैक्टिविटी इज अ फीचर दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ यूजर टू इंटरैक्ट विथ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो इंटरैक्टिविटी इज अ फीचर दैट मेक्स इट पॉसिबल टू यूजर टू इंटरैक्ट विथ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर रादर देन बीइंग जस्ट ऑब्जर्वर। मल्टीमीडिया के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं कुछ चीज, जैसे गेम है, ऑल द गेम्स दैट वी प्ले ऑन कंप्यूटर कंटेन द एलिमेंट ऑफ इंटरैक्टिविटी दैट अलाउज अस टू कंट्रोल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन द गेम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के साथ तो आप काम कर रहे हो तो वो मल्टीमीडिया ही है, उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। द मल्टीमीडिया प्लेयर दैट वी यूज टू प्ले मूवी सॉन्ग्स आर अदर एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्ट मेकिंग यूज ऑफ इंटरैक्टिविटी। अब उसके साथ आप कोई मूवी या सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो वो मल्टीमीडिया के साथ ही काम कर रहा है। Remember, modern computer and smartphone are powerful tool to handle the multimedia content. We can create multimedia presentation on our computer using presentation software such as PowerPoint. We can also use our smartphone to send and receive multimedia messages and post multimedia content on the internet. Now, application of multimedia. सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर मल्टीमीडिया का यूज नहीं होता, हर जगह मल्टीमीडिया है, एवरीवेयर। पहली एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी है वो मल्टीमीडिया का जो है वो एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट ही है। आप देखो एड आजकल कैसे कैसे एड बन रहे, जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा बटर का, अमूल बटर। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा यूज है। एडवर्टाइजमेंट इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री दैट वी यूज मल्टीमीडिया टू सेंड मैसेजेस टू द मासेस थ्रू वन टाइप ऑफ मीडिया। लेट अस से रेडियो टेक्स्ट कैन बी ग्रेट वे टू प्रमोट एन आइटम। Using multimedia techniques can significantly make an item being advertised better received by the masses. तो ये चीजें हैं, advertisement हो गया। अब second आता है बात movies and entertainment, इसमें भी सबसे ज्यादा use होता है। Multimedia is heavily used in the movie and entertainment industry. तो दोनों में यूज होता है, स्पेशली इन गिविंग स्पेशल इफेक्ट इन मूवीज एंड एनिमेशन। तो स्पेशल इफेक्ट देते हैं, जैसे कोई गेम में, मल्टीमीडिया गेम्स आर ए पॉपुलर पास टाइम फॉर पीपल। वर्चुअल रियलिटी वीडियो गेम्स, आजकल सबसे ज्यादा वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स चल रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी मतलब दैट इज नॉट रियल बट विच ट्रीट एज अ रियल, जो रियल जैसा लगता नहीं है पर रियल है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं। अब एजुकेशन, काफी सारी सीडीज आती है, बच्चों की सीडी आती है। मल्टीमीडिया इन एजुकेशन हैज बीन एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन टीचिंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, मल्टीमीडिया इन एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा यूज होता है। Human brains learns using sense such as sight, hearing. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं इसको हम देखते हैं। While a lecture can be extremely informative, a lecture that integrates picture or video images can help an individual learn and retain information much more effectively. अब काफी सारी CDs बनती है education पे, छोटे बच्चों की, बड़े की, काफी lessons भी बनते हैं। बहुत काम हो रहा है इस पे, मल्टीमीडिया में बहुत काम हो रहा है और एनिमेशन का तो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर इंडस्ट्री की बात करें हम, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एक होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड इसमें दे रखा है।
Multimedia applications are being used in the industry for designing machine tools. Computer aided design, there are designing house, building bridge. Multimedia presentation are being used in a big way to market the products produced by the industry. तो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट तैयार होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है. मेडिसिन एंड साइंटिफिक रिसर्च. अब मल्टीमीडिया इज फाइंडिंग मेजर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो मेडिसिन में साइंटिफिक रिसर्च में इसमें ही मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है. इफेक्ट बताना, मतलब आप किसी भी मेडिसिन को यूज कैसे करना वो बताना. तो एनिमेशन के थ्रू बताओगे तो आपको अच्छा लगेगा. डॉक्टर आ रहा है, उसमें डॉक्टर अपने आप को प्रिस्क्राइब कर रहा है, सर्जरी का फोटो ला रहा है, फोटो एनिमेट हो रहा है, मेडिसिन का इफेक्ट बता रहे हैं. अंदर आपका मान लो अंदर मेडिसिन कैसे वर्क करती है उसका इफेक्ट बता रहा है. तो ये सारी चीजें हैं का यूज बता रहा है मल्टीमीडिया में. वर्ल्ड वाइड वेब. अब मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑन वर्ल्ड वाइड. तो वर्ल्ड वाइड WWW तो एक बता रखा है, इसके थ्रू ही हम सारे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी करते हैं. इंटरनेट में सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब का. मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी बीइंग एक्सटेंडली यूज्ड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. कहने का मतलब ये कि मल्टीमीडिया सभी जगह यूज हो रहा है और इंटरनेट में भी यूज बता रहा है. ये शॉर्ट में इसका मीनिंग बता रहा है तो समझने लायक. इसमें वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग्स, एनिमेशन, ईमेल सभी चीज आ रही है. अब इस चैप्टर का जो था उसमें हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये नेटवर्क और मल्टीमीडिया है कंबाइंड. इसमें थोड़ा बहुत हमने क्लाउड कंप्यूटिंग भी देखा है. तो ये समरी है इसको, हालांकि अपन रिवाइज कर ही रहे हैं. देखो पहली बात आती है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का मतलब होता है टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज. हिंदी में बात करें तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है जिससे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, डेटा शेयर हो जाता है, रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं. ये हम रिवाइज ही कर रहे हैं. डेटा मतलब जो लिखा हुआ है वो, इंफॉर्मेशन मतलब पूरे डेटा, मीनिंगफुल डेटा, रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर, फैक्स, कोई भी मशीन. फिर नेटवर्क तीन मेन होते हैं, लेन, वैन और मेन. लेन, मेन और वैन. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. अब इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है बट वो उसकी लिमिटेशन है. मतलब एक ही कंप्यूटर से सारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी है उसमें. फिर बात आती है डिवाइस विच आर कॉमनली यूज फॉर सेटिंग अप ए कंप्यूटर नेटवर्क, हब्स. अब कौन कौन सी डिवाइस लगती है, तो हब लगता है, स्विच लगता है, राउटर लगता है, लैंड कार्ड लगता है, मॉडेम लगता है नेटवर्किंग डिवाइस में. ये हमने पढ़े भी हैं. हब 8 पोर्ट का आता है, 16 पोर्ट का आता है, स्विच में भी वही होता है. डेटा एक साथ चाहिए तो स्विच यूज होता है. राउटर हमने देखा डिफरेंट नेटवर्क के लिए राउटर यूज होता है. लैंड कार्ड लगती रहती तो उसमें नेटवर्किंग हो जाती है, लैंड कार्ड नहीं होगी तो नहीं होगी. शेप्स अपन ने देखे थे इसमें पहले. डेटा ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी भी हमने पढ़ी थी, वायरलेस और वायर्ड. वायरलेस मतलब जो वायर के बिना और वायर्ड मतलब वायर के साथ. अब नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी केबल्स यूज होती है, तो मेनली कोएक्सेबल केबल, इथरनेट केबल और फाइबर ऑप्टिकल. जगह जगह जो लग रही है ना, जगह जगह सड़कें खुदरी हुई है तो वो आपकी वही है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही है. तो वो ध्यान में रखने वाली बात है. फिर वाईफाई सिग्नल वाली बात है, जो कनेक्शन लेस कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करता है तो इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई सिग्नल है. वाईफाई सिग्नल हमने देख ही रखा है, चीजें हैं सही. फिर इंटरनेट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का.
तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हम देख चुके हैं मल्टीमीडिया में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क डेफिनेशन बताई थी मैंने, उसी को ध्यान में रखना है। मल्टीमीडिया रेफर्स टू द यूज ऑफ वन और मोर देन वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू डेवलप डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल कंटेंट आपको डेवलप करना है तो मल्टीमीडिया का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब इसमें अपन MCQs आ रहे हैं नेक्स्ट, तो MCQ को भी देख लेते हैं। एक्चुअली MCQ कराने का पर्पस ये है कि हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और आपको जो चीज क्लियर नहीं हो वो क्लियर भी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट है, विच ऑफ दिस टर्म डिस्क्राइब ए कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू नेटवर्क। तो नेटवर्क से कौन सी टर्म डिस्क्राइब होती, तो यूनिट तो होता नहीं है, डिवाइस होता नहीं, अटैचमेंट होता नहीं, नोड ही होता है। हाँ ये जरूर है कि डिवाइस कनेक्टेड होती है सभी से। तो फर्स्ट का जो आएगा वो ए आएगा, नोड। दूसरा आता विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो नो सिक्योरिटी वाला एडवांटेज नहीं, नो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड देना होता है। तो नेटवर्क का एडवांटेज ये है कि रिसोर्स शेयरिंग करना, कम्युनिकेशन करना, रिलायबिलिटी मेंटेन करना, ये दोनों तीनों चीजें। फिर ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पांस अक्रॉस ए सिटी कैन बी कॉल्ड। अब सिटी के अंदर जो बता रहा है, देखो लोकल एरिया नेटवर्क बिल्डिंग में बताता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी में बताता है, और वाइड एरिया नेटवर्क वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट के हिसाब से बताता है। तो सेकंड का, थर्ड का जो ऑप्शन है सी वो है। अब फोर्थ बहुत सिंपल है, विच नेटवर्क डिवाइस कैन कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मॉडेम का। और मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो फोर्थ का सी ऑप्शन। अब फिफ्थ, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। फिफ्थ में तो ए अलग ही दिख रहा है, एनटेक, क्योंकि कोएक्सिबल केबल है, रेडियो वेव्स है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। फिफ्थ का ए है। सिक्स्थ, इन केस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल दिस ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सी, हाँ ये वो काम करती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो लाइट रेज आएगा इसमें, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स करती है लॉन्ग डिस्टेंस पे, पर लिमिटेड है। फिर विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द लार्जेस्ट बैंडविड्थ। अब मैंने अभी आपको सबसे पहले एक चीज ही बताई थी कि सबसे ज्यादा अब जगह जगह जो सड़कों पर कुदी हुई फाइबर ऑप्टिकल केबल ही लगती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाने का मतलब ये रहता है उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। बैंडविड्थ मतलब डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है और ज्यादा से ज्यादा पैकेट्स के फॉर्म में जाए, क्योंकि बैंडविड्थ जो पैकेट जो डेटा जाता है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, इस बात को ध्यान रखना। डेटा जो सेंड होता है ना, सेंड और रिसीव होता है, वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। फिर विच ऑफ दिस डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज अ स्मार्ट हब। अब स्मार्ट हब जो बता रहे हैं, एक हब होता है और एक स्विच होता है, तो हब से बेटर होता है स्विच, तो यहां पर स्विच आएगा। फिर नाइन्थ आ रहा है,
which of this is not a multimedia element? ये तो आप ही देख के बता दो कि मॉनिटर मल्टीमीडिया एलिमेंट में नहीं आता। फिर टेंथ का और इजी है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फाइल फॉर्मेट स्टोरिंग डिजिटल इमेज। तो इमेज के फॉर्म अपन ने देखे, पीएनजी देखा, मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ, मैं इसे डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ। पीएनजी देखा, बीएमपी देखा, जेपीजी देखा, जेआईएफ देखा, टीआईएफ डबल एफ देखा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्राफिक, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन चेन, ट्रैफिक इंटरव्यू, फाइल फॉर्मेट। तो आपका MP3 बचता है, तो टेंथ का है। कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क दोनों की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन मतलब हमारा डेटा, और रिसोर्सेज भी मैं बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की, जिसमें वायर नहीं हो। वायरलेस नेटवर्क का नेटवर्क दैट यूटिलाइज रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स टू मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल, के बीच में चैनल एस्टेब्लिश करना। अब ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी हम इसको देख लें। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, वो उसकी रेंज वैसे 1 किलोमीटर तक ही होती है, 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर की रेंज ही होती है। तो 5 किलोमीटर मेंशन कर रखी, बट नॉर्मली मोर देन 1 किलोमीटर वो परफॉर्म नहीं करता लेन। और मेन तो है आपका 10,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी कर सकता, मतलब सारे कॉन्टिनेंट में मेन ही यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क के टाइप को नहीं बताता। केबल आर जनरली यूज एज द कम्युनिकेशन चैनल, तो कम्युनिकेशन चैनल के लिए केबल यूज होती है, और इसमें माइक्रोवेव सैटेलाइट आर नॉर्मली यूज एज कम्युनिकेशन चैनल। सैटेलाइट के थ्रू ही होता है, बिना उसके थोड़ी होता है, और लैंड में तो केबल लगती है, बिना केबल के काम नहीं होता। दिस नेटवर्क्स स्पैन इन स्मॉल ग्राफिकल एरिया जनरली विद इन 1 to 5 feet, तो मैंने बता दिया था। अब कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल्स की बैंडविड्थ हाई होती है, वो तो मैंने बताया, ज्यादा होती है। कोएक्सियल की भी लो होती है और ये हाई, इसीलिए फाइबर ऑप्टिकल यूज होती है। कोएक्सियल की यूज है मेटल कोर यूज का सिग्नल के लिए, फाइबर ऑप्टिकल में थिन स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास लाइक मटेरियल, जिसे डेटा प्रॉपरली कैरी होता है और चले जाता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे काम नहीं करती, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करती है। और इट कैन बी टैप्ड और सिक्योर नहीं है, और ये सिक्योर है। तो ये एक और चीज बताइए। फिर ये एक और, इट गेट्स इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ जाता है इसका एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, और इसका ये नहीं पड़ता है। इट हैज अ कंप्लीट इम्यूनिटी टू एटमॉस्फेरिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, इजीली इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे खोदते वगैरह है ना, तब वो जरूर इफेक्ट होगी, मतलब आप उसको तोड़ोगे तो टूटेगी, बाकी उसमें एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात। फिर ब्लूटूथ और वाईफाई, ब्लूटूथ की रेंज बहुत लिमिटेड होती है, हालांकि वाईफाई की भी लिमिटेड होती है, कोई अनलिमिटेड वाली बात नहीं है, पर हाँ ब्लूटूथ की रेंज कम होती है और वाईफाई की रेंज ज्यादा होती है। पर वाईफाई की भी रेंज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसकी इसमें 30 फीट बता रहा है कि इसमें 400 फीट है, और ब्लूटूथ जो है वो 1 Mbps, Mbps मतलब मेगा बिट पर सेकंड पे काम करता है, और ये वाईफाई थोड़ा फास्ट काम करता है। वाईफाई का शेयरिंग नेटवर्क हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करता है, ब्लूटूथ पे भी वही है। बट वाईफाई जो कनेक्टर रहता है ना, उस इंटरनेट से लिया हुआ चीजें रहती है, उसके थोड़ा सा फास्ट ट्रांसफर होता है और ज्यादा होता है, फास्ट होती है और कनेक्टिविटी भी ज्यादा होती है,
और ब्लूटूथ में कुछ डिवाइसेस ही कनेक्ट होगी, इट सपोर्ट्स ओनली टू डिवाइस, इट सपोर्ट, और वाईफाई में क्या होगा, इट सपोर्ट से बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। वाईफाई में ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती है, ब्लूटूथ में लिमिटेड ही होगी। Next, what is interface? How it is different from internet? Interface is basically client-server software program that allow multiple users to communicate on the internet. मतलब ये बहुत सारे यूजर को इंटरनेट पे कम्युनिकेशन पर्पस के डेवलप करने के लिए इंटरस्पेस है, जिसमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सीडी डायनामिक और सारी चीजें परफॉर्म होती है इंटरनेट पे। मतलब मल्टीपल वैरायटी है क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट पे यूज करते हैं। ये डिफरेंट था इसीलिए मैंने आपको इसमें समझाया। तो ये चैप्टर आपका अपना खत्म हो जाता है मल्टीमीडिया और नेटवर्क वाला। इसमें अपन ने डेप्थ में बताया, फिगर के थ्रू बताया, कुछ एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व करे, समरी भी हमने देखी, काफी चीजें हमने डिस्कस करी। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि आज मैंने काफी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया और आपको समझ में भी आया होगा। अब इसमें आप चाहे तो कमेंट भी दे सकते हो, और कमेंट के अलावा अगर आप कमेंट में नहीं दे सकते तो आप मेरा नंबर है 9827242911, इस पर आप पर्सनली अपना नाम और क्लास लिख के मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता। तो वीडियो देखें, वीडियो की क्वालिटी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, और आपको वीडियो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। पुराने भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी हैं जिसको हम करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा जो एमएस ऑफिस के है ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को शेयर करें।